नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज किस वीडियो में। हमारे साथ खड़ी हुई है हुंडई ओरा ECNG। जी हाँ, पहले हुंडई ओरा के बेस वेरिएंट में CNG का कोई ऑप्शन नहीं था, आपको सिर्फ S और SX में CNG का ऑप्शन मिलता था। S वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करें ना तो 8,30,000 रुपये से स्टार्ट होता था और ऑन रोड जाते जाते वो गाड़ी लगभग 9.5 लाख रुपए की पड़ जाती थी। अब देखो, इतने बजट पे काफ़ी लोग जो है वो सोचते थे इसके बारे में, तो हुंडई ने अच्छा किया कि अब ये बेस वेरिएंट ई वेरिएंट में CNG का ऑप्शन दे दिया। ये वेरिएंट आपको एस वेरिएंट से लगभग 82,000 रुपए सस्ता पड़ेगा। एक्स शोरूम प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड तक जाओगे तो 90,000 1 लाख रुपये तक का डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। 7,48,000 रुपये है इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत। हम अभी है JMV हुंडई भिवाड़ी में। अगर आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ तो आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। योगेश भाई के नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है लेकिन इस पे भी आपको 50-60,000 रुपए का डिस्काउंट आराम से जो है वो मिल जाएगा। तो ये मान लो कि आपका RTO फ्री, एक्स शोरूम के ऊपर इंश्योरेंस का पैसा दो और गाड़ी आप लेके जाओ। ऑन रोड प्राइसिंग वैसे ऑन डॉक्यूमेंट देखे तो ये 8,67 के समथिंग जो है वो पड़ती है, बट मोटा मोटा आप ये मान लो कि आपको 8 लाख के अंदर ये गाड़ी मिल जाएगी CNG के साथ। अब ये कम्पीट करती है डिजायर CNG से। कमर्शियल वालों के लिए भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन अब ये हो गई है क्योंकि उनको सस्ती गाड़ियाँ ही चाहिए होती है भाई, जो बस चले, ज़्यादा फीचर की नीड नहीं होती। ठीक है, कमर्शियल में डिजायर की टूर एस CNG जो है वो आती थी, जो कि फिलहाल टाइम पे डिसकंटिन्यू है, तो अब ये एक बढ़िया ऑप्शन जो है आपके लिए रहेगी। प्लस इसमें फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं एंड ये सेफ्टी के मामले में भी डिजायर से काफ़ी बढ़िया है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ये सब चीज़ें आपको इसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर की जाती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं फीचर्स से। तो चाबी आप देखो, चाबी आपको नॉर्मल की मिलेगी, कोई भी मैनुअल सेंटर लॉकिंग का फीचर नहीं है, तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हुंडई से एज एन एक्सेसरी ले ले। दोनों चाबियाँ आपकी कुछ ऐसी ही होने वाली है। सामने से आप देखोगे तो बॉडी कलर बम्पर मिलता है, ये वाली ग्रिल जो है मैट में मिलती है, ये वाली ग्रिल भी आपको मैट में मिलती है। हुंडई का लोगो आपको सिल्वर मैट फिनिश में दिया जाता है। हेडलैम्प हैलोजन बेस्ड आते हैं, एस वेरिएंट में भी हैलोजन बेस्ड जो है वो हेडलैम्प आते हैं। साइड पे जब आप आओगे तो टायर्स पे कोई भी व्हील कैप आपको नहीं मिलेंगे, सिल्वर फिनिश में रिम मिलने वाले हैं। 14 इंच के जो है व्हील है, 165/70 का ओवरऑल टायर का सेक्शन है। इंडिकेटर आपको यहाँ फेंडर पे मिलने वाले हैं और जो ORVMs और डोर हैंडल्स है ये आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं। लेकिन ORVM को ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, अंदर आपको नोब मिलती है जिसकी मदद से आप एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, पीछे की तरफ आओगे तो आपको नॉर्मल जो है वो एंटीना टाइप मिलता है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट को एज इट इज रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है भाई CNG की, HYCNG, जो नई टेक्नोलॉजी इनकी आई है हुंडई की, वो आपको मिल जाती है ये ओरा में। 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और चाबी से आप इसका बूट अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही अंदर भी आपको वो लीवर मिलता है जिसको खींच के आप इसका बूट खोल सकते हैं। CNG सिलेंडर के बाद स्पेस देखो आप, काफ़ी अच्छा स्पेस है। 3 कैबिन साइज के बैग जो है वो डेफिनेटली इस बूट में आ जाएंगे। 60 लीटर है CNG टैंक की कैपेसिटी और नीचे आपको स्पेयर व्हील जो है वो भी मिलता है, जितना गाड़ी का टायर साइज है उसी साइज का मिल जाता है। अब देखो, ओरा की एक खासियत है कि ये प्रॉपर 4 सिलेंडर के इंजन के साथ आती है और CNG में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के देती है, प्लस माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छी जो है वो ये गाड़ी देती है। CNG फिल करवाने के लिए आपको यहाँ से फिल करवानी पड़ेगी, पेट्रोल टैंक भी आपका इस तरफ से ही फिल होगा। अब आ जाओ स्पेस की बात करते हैं, स्पेस काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में। स्पेस दिखाने से पहले एक बार डोर को आप देखो, पीछे वाली विंडोज़ पावर नहीं है, ये आपको मैनुअल मिलेगी। लेकिन डोर आप देखोगे ना तो ड्यूल टोन में डोर मिल जाता है, वो काफ़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रीमियम फील देती है। साथ ही आप सीटें देखोगे गाड़ी की, वाइट कलर में मिल रही है, मतलब कि एक जो फैब्रिक और लेदर का यूज है ना, सेमी लेदरेट सीट्स कवर आपको बेस वेरियंट से, यहाँ पर ये देखोगे पीछे वाला पूरा हिस्सा तो ये लेदरेट है और जहाँ पर आप बैठोगे ये पूरा फैब्रिक है। 3-पॉइंटर सीट बेल्ट आती है प्रॉपर, सीट बेल्ट की वार्निंग जो है वो आपको प्रॉपर MID में दिखने वाली है। दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है बेस वेरिएंट में भी, ये काफी अच्छी चीज है। हुंडई ना छोटी चीजों में कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करती। अब स्पेस देखो, आराम से मैं बैठ सकता हूँ, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन है, पूरा बढ़िया जो है वो रिक्लाइन एंगल है, अच्छी खासी थाई स्पोर्ट है और नी रूम और लेग रूम में भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है स्पेस के मामले में। और पीछे वाली सीट का कंफर्ट अगर देखें ना तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है अपने सेगमेंट में। पीछे कोई भी रियर एसी वेंट, कोई भी चार्जिंग की सुविधा जो है वो आपको नहीं मिलेगी। अब आ जाओ फीचर्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अपने पास सामने वाली जो विंडोज़ है ये दोनों पावर आ जाती है और वही ड्यूल टोन में डोर काफ़ी बढ़िया लगता है। ये मैट ब्लैक
बैग ही जो है वो आपको मिलेंगे। ओआरएम एडजस्टमेंट करने के लिए बता रहा था, वो यहाँ पे मिलेगा। सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो मिलता है बेस वेरिएंट से। अब बताओ मेरे को कितनी ही कंपनियाँ जो है वो सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देती है बेस वेरिएंट से, बहुत कम कंपनियाँ हैं। कई कंपनियाँ ऐसी है जो तीसरे चौथे वेरिएंट में जो है जाके ये फीचर देती है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग आपको नॉर्मल मिलता है। लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हो ये MID को कंट्रोल करने के लिए बटन है। कोई भी मीडिया के बटन्स नहीं है क्योंकि कोई भी स्टीरियो वगैरह कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। किसी भी कंपनी में देख लो आप, बेस वेरिएंट में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। अब MID ऑन करते हैं, एक बार AC कर लेते हैं बंद। MID देखो कुछ ऐसी आपको MID गाड़ी की दिखेगी। डोर खुला हुआ है, उसकी वार्निंग जो है वो भी दिखा रहा है और प्रॉपर दिखाता है। देखो अभी लेफ्ट साइड वाला मैंने खोल दिया तो उसकी भी पर एनिमेशन जो है ये शो कर रहा है कि कौन सा डोर आपका खुला हुआ है। ठीक है, 3-pointer सीट बेल्ट जो मैं बता रहा था उसकी सब चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। CNG में है गाड़ी, पेट्रोल में वो यहाँ पे दिखेगा। CNG कितनी है वो यहाँ पे और पेट्रोल कितना है ये यहाँ पे। MID काफ़ी बढ़िया है, MID से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डिजिटल स्पीड जो है उसके फीचर्स भी आते हैं, प्लस ये एक्युमुलेटेड इन्फो, फिर अपने पास ड्राइव इन्फो, ये सारी चीज़ आती है। कुछ एक सेटिंग्स है जो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। अब इसमें TPMS के फीचर नहीं आते बेस वेरिएंट में। हॉर्न देखो गाड़ी का, एक बार हॉर्न दबाता हूँ मैं, कुछ ऐसा हॉर्न जो है वो आपको मिलता है। AC वेंट के सराउंडिंग में ब्रोंज फिनिश जो है वो भी मिल रही है, देखो दोनों तरफ, ये भी बढ़िया है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड मटेरियल जो है वो मिल रहा है। देन अपने पास AC के कंट्रोल्स देखोगे तो इनके ऊपर भी सिल्वर फिनिश है, यहाँ पे भी सिल्वर है, ग्लोसी ब्लैक है, तो ये चीज़ भी जो है वो अपने पास अच्छी मिल रही है। देन अपने पास ये 12-volt का सॉकेट है। देखो मैक्सिमम जो कंपनियाँ हैं ना वो बेस वेरियंट में क्या करती है कि पूरा ब्लैक रखती है इंटीरियर, ताकि ज़्यादा खर्चा ना आए उनका। यहाँ पे ये देखोगे कंट्रोल्स कई कंपनियों के तो वो ब्लैक मिलेंगे, पूरा ये ब्लैक मिलेगा, डोर पैड वगैरह, स्पेशली मारुति की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हुंडई जो है वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छी मेरे को लगती है, इसी वजह से ये प्रॉपर आपको अच्छे AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे S वेरिएंट में मिलते हैं सेम एज ऐसे ही मिल रहे हैं। यहाँ पे स्पेस है, 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे लेदर की फिनिश है और ये 2 कप होल्डर्स और हैंड ब्रेक मिलता है। IRVM अपना मैनुअल नहीं आता, ये बेसिक IRVM मिलता है, आई थिंक ये होना चाहिए था मैनुअल। और इस तरफ अपने पास कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता, टिकट होल्डर डेफिनेटली आपको मिलता है और ये लाइट आपको हैलोजन मिलती है। साथ ही पीछे भी आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी एक लाइट मिल जाती है। ठीक है जी, सो ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट है फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया है। बस दो चीज़ें मुझे लगता है कि दे देते तो बढ़िया होता, एक तो पीछे वाली पावर विंडोज़ और एक अपना जो ये सेंटर लॉकिंग होता है ना वो मैनुअल ही दे देते कोई नहीं, बट वो सेंटर लॉकिंग दे देते तो वो बढ़िया होता। रिमोट की तो जो है वो बाद में बन जाती, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो वो है 1.2 liter का कापा पेट्रोल आप इंजन ये देख रहे हो, जिसके साथ आपको CNG मिलती है। 4-cylinder इंजन है, प्रो काफ़ी अच्छी पावर और काफ़ी अच्छा टॉर्क जो है वो निकालता है। CNG में अगर पावर फिगर्स की बात करें तो 69 BHP के समथिंग जो है वो पावर जनरेट करता है ये CNG में। पेट्रोल में ये 83-85 BHP के समथिंग जो है पावर जनरेट करता है और टॉर्क भी CNG में 95 Nm के आसपास का जो है वो जनरेट कर देता है। आपको चलाने में बिल्कुल ये अच्छा लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफाइन है, रिलायबल है। 1.5 lakh, 2 lakh, 3 lakh kilometer तक भी जो है वो ये इंजन आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हुंडई की काफ़ी गाड़ियों में आता है, काफ़ी लंबे टाइम से जो है हुंडई इस इंजन को बना रही है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी का हो जाता है। गाड़ी में इंसुलेशन मटेरियल काफ़ी अच्छे से यूज़ करती है हुंडई, तो आपको कोई भी इंजन की नॉइस वगैरह जो है वो अंदर नहीं जाएगी। ऊपर कोई भी इंसुलेशन मटेरियल नहीं है, उसके बावजूद भी आपको कोई नॉइस नहीं मिलेगी। एंड नीचे अपने पास जो है वो कोई भी इंजन प्रोटेक्शन नहीं है। ओके जी, सो ये था हुंडई ओरा CNG का ई वेरिएंट। ठीक है, ई वेरिएंट में बता रहा पहले CNG नहीं आती थी और अब ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा उनके लिए जो आफ्टर मार्केट काम करवाना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए जिनका बजट थोड़ा कम है, कमर्शियल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो अब ये रहेगी। सो ये थी वीडियो, अगर आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड रह जाता है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।